वो बताएं कि संसद भवन परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन इस समय जारी है, जिसमें सभी विपक्षी दलों के नेता शामिल हो रखे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सभी विपक्षी दल जो इस समय मौजूद हैं पार्लियामेंट के बाहर विरोध अपना दर्ज करा रहे हैं। हालांकि सदन के अंदर कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में, लेकिन ये आज की तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। विपक्ष अपनी मजबूती दिखाता हुआ सरकार के ऊपर हल्ला बोल है। हम सभी लोग, जितने लोग हैं और खासकर समाजवादी लोग, किसानों को MSP मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले, लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये तो अखबारों में भी छपा है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा। तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। अगर कहीं आपने मिडिल क्लास को कुछ सहूलियत भी दी है तो वो अपनी महंगाई से आप वापस ले रहे हैं। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ, लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। लापरवाह अफसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक्शन, चित्रकूट में RTO के दो ऑफिसर्स पर कार्रवाई हुई है। बच्चों समेत दो स्कूल बसों को जब्त किया गया था और डिविजनल इंस्पेक्टर गुलाब चंद सस्पेंड किए गए हैं। ARTO विवेक शुक्ला पर भी कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लापरवाह अफसरों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये एक्शन है। चित्रकूट में RTO के दो अफसर हैं जिनके ऊपर हुई है कार्रवाई। बच्चों समेत दो स्कूल बसों को इन्होंने जब्त किया था, तो डिविजनल इंस्पेक्टर गुलाब चंद सस्पेंड हुए हैं, ARTO विवेक शुक्ला पर भी कार्रवाई हुई है। तो संदेश साफ है कि भ्रष्टाचार में लिप्त कोई भी शख्स हो, चाहे वो अधिकारी हो या आम जन हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हिसाब सबके साथ बराबर का होगा। ARTO विवेक शुक्ला पर कार्रवाई हुई है। बच्चों समेत दो स्कूल बसों को जब्त किया गया था जिसके ऊपर ये कार्रवाई की गई है। चित्रकूट का ये मामला जहां पर RTO के दो ऑफिसर्स पर एक्शन लिया गया है।